हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और तैयारी तो आप कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी करीब है और तैयारी आपको सभी सब्जेक्ट की करनी है। तो जो आपका एक टॉपिक होता है वन वर्ड, जो कि 3 नंबर के आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और 3 नंबर यानी आपका 1% बनता है इंटर में, ठीक। तो वन वर्ड वो मोस्ट इम्पोर्टेंट छाट कर लाए गए हैं बहुत ही प्यार के साथ, और इसी तरीके से आपको इनको याद करने होंगे। पिछली वीडियो में 26 करा दिए गए हैं, और आगे के जो है वो ये छाट कर आपके लिए लेकर आए गए हैं। एक एक वन वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो लगातार रिपीट होते हैं और जो आने के काबिल हैं, आने के लायक हैं, वो वन वर्ड आपके लिए, वो क्वेश्चन छाट कर लाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो वन वर्ड है पहला, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक, हिंदी आपको इसकी पता ही होगी, उसका होगा नास्तिक, और इंग्लिश में कहेंगे हम उसको एथिस्ट। ठीक, अगला, वन हु बिलीव्स इन गॉड। एक तो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, और एक वन हु बिलीव्स इन गॉड, तो वो होगा आस्तिक यानी एथिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही कॉपी में नोट कर लें, चाहे मुझसे कांटेक्ट करें, हम आपको इसका जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करा देंगे फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और कमेंट करके बता दें जिस चीज़ का भी आपको पीडीएफ चाहिए। वैसे पीडीएफ से पढ़ाई होती नहीं है, आप इसको अभी ही कॉपी पर नोट करें और अच्छे तरीके से याद करें। नंबर 29, दैट विच इज फिट टू बी ईटन, इलेबल, खाने योग्य। अगला, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, वो होगा आपका अवेतनीय यानी होनोरेरी। 31, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके आगे लिख भी दिया है, इम्पोर्टेंट तो सारी हैं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उस पर एक्स्ट्रा से लिख देते हैं हम। अगला, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, तो वो होगा धारा प्रवाह यानी एक्स्टम्पोर। अगर थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो तो आप साथ दें थोड़ा सा, लेकिन उम्मीद करूँगा कि सही बोलने की कोशिश करें। अगला प्रश्न, ए पर्सन हु टेक्स टू मच अबाउट हिम, और जो इसकी हिंदी है वो है शेखीवास, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, तो वो होगा ब्रेगर। कैपेबल ऑफ बीइंग हार्ड हेयर्ड, सॉरी, तो सुनने योग्य, एडिबल। अगला, पर्संस लिविंग एट द सेम टाइम, समकालीन, कॉन्टेम्पररी। अगला प्रश्न, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, वो पुरुष जिसकी जो है वाइफ यानी पत्नी मर जाए, तो वो होगा विदुर, विदुर। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, तो विधवा, नॉर्मल, विडो, ठीक है, ईआर का फर्क है सिर्फ। ए गार्डन वर फ्रूट्स आर फाउंडर, तो उसका होगा बगीचा यानी ऑर्चर्ड, काफी इंपॉर्टेंट है। वन हु गोस ऑन फुट, पदयात्री, पेडिस्ट्रेन। वन हु टोटली ऑब्स्टेन्स आवर लिक्वर, मत त्यागी, इसका होगा TEELER, टेटलर। नेक्स्ट, और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने योग्य है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम में आएंगे भी ज़रूर। बिल्कुल एक एक प्रश्न आपके लिए छाट कर लाया गया है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसी वजह से। अगला, एनीथिंग विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, तो इसका होगा इलीगल, गैर कानूनी। 41, दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन मैन पिक्स पीस,
भूरपूरा यानी फोरेगल, आप कॉपी में नोट करने हैं बिल्कुल इनको, और याद कर कर ही सोना है आज इनको, बिल्कुल ईमानदारी के साथ याद करना है। व्हाट्स रिटन ऑन द टेम्प स्टोन आफ्टर वंस डेड, कब्र पर का जो अंतिम शब्द होता है, तो वो होता है इपिटैप। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट, दिवालिया। तो इसका होगा अनसोलेंट। अगला प्रश्न, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रो, अपवाद दर्शी यानी ओपेक। ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक बच्चा, आप समझ गए होंगे, पिता की मृत्यु के बाद जन्मा, तो उसको कहेंगे हम पोस्ट्यूमस। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट ऑफ प्लेजर और पेन, सहन शक्ति व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं, तो उसका होगा स्टोइक। 47, ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री एंड स्टील्स इन अनोदर कंट्री, तो उसका होगा इमिग्रेंट, देश त्यागी, काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, रिमेडली फॉर ऑल डिसीज, रामबाण यानी पेंसिया। नो लॉन्गर इन यूज, ए प्रचलित, ऑब्सोल्यूट। अगला प्रश्न, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड, अज्ञेय, इनविंसिबल। अगला, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, वर्षगांठ, तो होगा एनिवर्सरी। तो काफी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आपके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत क्या, सारा ही आ गया होगा। तो आगे भी ऐसी ही वीडियो आपकी इच्छा के अनुसार हम बनाते रहेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो भी डिमांड, जो भी आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, जहाँ पर भी आपको परेशानी हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।